नगर निगम द्वारा लगातार प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई चलाया जा रहा है। इसके तहत गुरुवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम द्वारा लालडिग्गी पार्क के सामने स्थित ट्रांसपोर्ट के यहां छापेमारी की गई। इस दौरान लगभग 550 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन मिला। इस संबंध में प्रवर्तन दल द्वारा व्यापारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 550 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन कैरी बैग जब्त करने के साथ 20,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा लगातार प्रतिबंधित पॉलिथीन के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम पीडब्ल्यूडी को जब्त पॉलिथीन उपलब्ध करवाए गए, जिससे सड़क बनाने के काम में पॉलिथीन का प्रयोग किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ जो है शासन के दिशा निर्देशों पर जो नगर निगम की टीम है लगातार छापेमारी कर रही है। लगातार उसने अपनी खुफिया टीमें लगा रखी, जहां भी हमें सूचना मिलती है उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई करते हैं। आज प्राप्त सूचनाओं के आधार पर लालडिग्गी के जो क्षेत्र में वहां पर जो हमारी इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स की टीम ने और हमारे अधिकारियों ने वहाँ पर छापा मारा, तो वहाँ 5 क्विंटल से ऊपर की प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ी गई है। निश्चित रूप से इस पूरे सराहनीय प्रयास के लिए मैं नगर निगम की टीम को, कर्नल सीपी सिंह और उनकी जो इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स है उसके समस्त सदस्यों को ढेर सारी बधाई देता हूं। आपने देखा पिछले एक महीने में उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में ये प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ी है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस जो पॉलीथीन को पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो आजकल प्लास्टिक मिलाकर सड़कें बनाई जा रही हैं उसमें इनका हम इस्तेमाल करें, तो निश्चित रूप से इससे हमारी सड़कों की जो मजबूती है वो और टिकाऊ होगी और मजबूत होगी।